अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आज एक छोटे से सनत के बारे में, एक छोटे से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में आपसे एक बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आपके लिए कमाई का एक अच्छा जरिया साबित हो। तो अगर शालमी मार्केट के बिल्कुल शोरूम में ही आप बाई तरफ चले जाए तो उधर परफ्यूम मार्केट है, वहाँ से आपको हर किस्म के केमिकल्स मिल जाते हैं जिससे आप साबुन बना सकते हैं। साबुन बनाने में जो जो चीजें यूज होती है वो इधर से आपको मिल जाते हैं। फिर जिस मशीन पर आपने बनाना हो तो वो मशीनें भी उधर से ही मिल जाते हैं। वो खुशबुएं जो इसके अंदर डलती है वो भी आपको उधर से ही मिल जाते हैं। तो वहां से आप सोप मैन्युफैक्चरिंग का सारा सामान लेकर अपना सोप बनाए, साबुन बनाए, एक ब्रांड आप मुतारिफ कराए। वहाँ आप प्रिंटिंग वाले भी बैठे होते हैं, डब्बे भी वहाँ बनते हैं, कार्टन भी अगर आप बनाना चाहते हो तो वो भी बनते हैं, या ये सब जो है आपकी इलाके में भी बन सकते हैं। जो प्रेस वाले होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले, वो बनाते हैं ये। इसके अलावा बगैर मशीनों से भी ये साबुन जो है बन सकता है, और ये सारे तरीके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। तो ये स्किल आप सीख ले तो उम्र भर इंशाल्लाह आपके पास एक अर्निंग सोर्स आ जाएगी, कमाएंगे। तो सारा साल जो है इसकी डिमांड रहती है, हर कोई इसको इस्तेमाल करता है, बहुत सेल होने वाले आइटम है, मार्केट इसकी बहुत बड़ी है, जितने भी लोग इसमें घुस जाए तो भी कम है। हमारे एक दोस्त ने कराची में अपन सीखा था और अकेले ही जो है इधर गांव में आके उसने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए और ये काम शुरू किया। अकेले ही जो है वो उसको संभाल रहा है और सबसे पहले उन लोगों का जो कर्जा है उसको रिटर्न किया और अभी जो है अपनी बच्चियों की बेटियों की शादियां भी उसमें कराई और अपने घर को जो है बहुत खूब अच्छी तरीके से वो अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा है। तो ये अकेला बंदा भी इसको हैंडल कर सकता है और थोड़ी सी जगह जो है ये काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस इस पन को आप सीख लें।